by profession. She's a physician, and she is also working very rigorously on holistic health. You know, we are talking about the holistic development. So she's working on the holistic health. So now I'll hand over to Sharmila Didi to take the session. ठीक स्लाइड्स आप रन कर रहे हैं या मैं करूं आप कर सकते हैं जी हाँ मैं हूँ आप कर सकती हैं आप शेयर करके आप भी कर सकते हैं ठीक है जैसा आप कहें जैसा आपको ठीक लगे उमेश भैया ठीक है मैं करती हूँ फिर शेयर करती हूँ उमेश भैया हाँ जी हाँ तो पार्टिसिपेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अभी क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग रोक रहे हैं शर्मिला दीदी का ये सेशन है इस सेशन के बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन को कंटिन्यू करेंगे जी 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 के बाद ठीक जी पूछना देंगे जी जी बहुत बढ़िया देखिए हमारा शरीर है और हमारे शरीर के प्रति हमारी अपनी जिम्मेदारी है शरीर के स्वास्थ्य से लेकर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी है बहुत सारा उसमें क्लैरिटी की आवश्यकता है और अभी जो COVID-19 के जो इश्यू चल रहा है तो ये जो दीदी का जो सेशन है ये सिर्फ ये क्राइसिस में ही नहीं लेकिन हमेशा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है तो हम दीदी से बातों को सुनेंगे और बात को सुनने के बाद में अगर कोई क्वेश्चन है तो दीदी के साथ में क्वेश्चंस को रखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशंस को हम थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं अभी और दीदी का सेशंस को इनिशिएट कर रहे हैं ठीक है ठीक है मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको हाँ दीदी ठीक सो हेल्थ के बारे में खैर आप लोगों की प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात हो गई है तो सेल्फ और बॉडी का डिफरेंस सबने देख लिया कि जहाँ सेल्फ की बात होती है वो कॉन्शियसनेस का पार्ट है हमारा और जो बॉडी का पार्ट है वो मटेरियल है सो उस बेसिस पे हम हेल्थ को थोड़ा देखेंगे स्वास्थ्य को तो हमने ये भी देखा कि सेल्फ और बॉडी की जो नीड्स हैं वो अलग अलग हैं और उनका फुलफिलमेंट भी अलग अलग है और फिर हमने देखा कि जो सेल्फ है उसमें फीलिंग्स प्रोडोमिनेंट रहती हैं तो अभी जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं या जब आपने प्रॉस्पेरिटी की बात सुनी होगी तो हम वो फीलिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं सो फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी सेल्फ के लिए तो टू नर्चर द बॉडी प्रोटेक्ट द बॉडी एंड राइटली यूटिलाइज द बॉडी जब ये फीलिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन रहती है सेल्फ में तभी बॉडी में हेल्थ रहता है और हेल्थ से हमारा क्या मतलब है कि जैसा मैं चाहूं वैसा मेरा शरीर मेरे मेरे को ओबे करे मेरे हिसाब से एक्ट करे और जितने मेरे पार्ट्स हैं बॉडी के वो सब साथ में मतलब हार्मनी में रहे ऑर्डर में रहे तो अगर हम देखें तो हमारा शरीर शुरुआत में स्टार्टिंग में ऑर्डर में ही होता है हार्मनी में ही होता है ये हम अच्छे से देख सकते हैं अगर हम कोई छोटे बेबी न्यूबॉर्न बेबी को देखें तो जो भी स्टेटिस्टिक्स हमें मालूम है या जो जब भी आपने भी किसी छोटे बेबी को देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी को तो मेजॉरिटी जो बेबीज हैं 95% प्लस बेबीज जो हैं वो नॉर्मल पैदा होते हैं तो उनके अंदर मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता तो उनका बॉडी हार्मनी में होती है उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती हेल्दी होते हैं वो बट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं बॉडी के अंदर शरीर में तो ये क्यों होता है तो उसका क्या कारण है अगर हम देखें तो आजकल बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं जो हमारा दिनचर्या है उससे जुड़े हुए हैं सो अगर हम ये तो मतलब इट इज जस्ट एक डायग्राम है कि अपना जो शरीर है उसके अंदर इतने इतने सारे सेल्स हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल्स और ये सारे सेल्स जो हैं ये आपस में साथ में काम करते हैं सो एक दो सेल्स नहीं खूब सारे सेल्स ज्वाइन करके फिर टिश्यूज बनाते हैं टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स बनते हैं फिर ऑर्गन्स कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं फिर वो ऑर्गन सिस्टम सब साथ में मिलके पूरे शरीर के हित में काम करते हैं तो ये जो सिस्टम है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सेल
हालांकि इंडिपेंडेंटली वो सेल अपना काम करते जा रहा है, लेकिन वो बाकी सबके साथ में मिलके भी पूरे शरीर के हित में ही काम कर रहा है. सो दिस वी कैन सी. सो इन दैट सेंस जो बॉडी है उसमें ऑलरेडी एक हार्मनी बनी हुई है, एक उसका डेफिनेट कॉन्डक्ट है और सारे सेल साथ में काम कर रहे हैं. तो फिर अगर ये सब अपने आप हो रहा है तो सेल्फ का क्या रोल है इसमें? सेल्फ का क्या रोल है कि अगर मेरे अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फीलिंग है सेल्फ रेगुलेशन की कि ये बॉडी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो भी हेल्थ के लिए, मेरी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जो भी करना होगा वो मैं करूंगी या वो मैं करूंगा. तो सेल्फ का वही रोल है टू इंश्योर दिस कॉन्टिन्यूटी कि जो हार्मनी मेरे शरीर में है, स्टार्टिंग में थी, वो बनी रहे, एटलीस्ट मैं उसको डिस्टर्ब ना करूं. तो इससे हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है. तो सेल्फ रिफ्लेक्शन कोई और दिखाएगा, मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लगता है दोनों चीज करना. हाँ, सो हेल्थ प्रॉब्लम्स टुडे आर मोर ड्यू टू प्रॉब्लम्स विद द बॉडी और प्रॉब्लम्स विद द सेल्फ और नाइदर बॉडी नॉर सेल्फ. आपको क्या लगता है आजकल जो ज्यादा स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं वो शरीर के प्रॉब्लम है या मैं में प्रॉब्लम है, सेल्फ में प्रॉब्लम है या फिर कुछ और? सो आपका ओपिनियन ले लेंगे इस बारे में, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत कुछ. जैसा मैंने कहा, एक तो ये वाले प्रॉब्लम्स जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, सो मेनी थिंग्स, डिप्रेशन, सुसाइड्स हो रहे हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जिससे कि हेल्थ इम्पैक्ट होती है वो एक तरफ है. प्लस एक स्टडी थी, कोई हार्वर्ड के डॉक्टर थे और उनकी टीम रिसर्चर्स की, उन्होंने ये स्टडी करा था कि 80% जो डॉक्टर विजिट्स होते हैं ये हेल्थ प्रॉब्लम्स स्ट्रेस की वजह से आते हैं, लेकिन सिर्फ 3% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली पेशेंट्स के साथ बात करते हैं कि स्ट्रेस को कैसे कम करना है. तो अगर हमें यही नहीं समझ आएगा कि स्ट्रेस क्या है तो हम उसको कम करने की बात कैसे करेंगे? तो वो भी हम देखेंगे कि स्ट्रेस क्या चीज है. तो आप लोगों के रिफ्लेक्शन से मालूम हुआ कि सब काफी मेजॉरिटी में लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम सेल्फ में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है. तो अब हम देखते हैं उसको कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है. एक तो ये जो हमने कहा कि जैसे हम हार्मनी को डिस्टर्ब ना करें, तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कभी भी अगर किसी को गुस्सा आया हो तो आप जरा रिफ्लेक्ट करें क्या होता है जब आपको गुस्सा आता है. तो अंदर कुछ चलता है, बाहर चाहे कुछ भी उसका मतलब दिख ना रहा हो कुछ प्रॉब्लम, लेकिन अंदर कुछ चल रहा होता है. तो वो जो अंदर चल रहा होता है उसकी वजह से शरीर के ऊपर कुछ असर पड़ता है. तो अगर हम इस बात पे ध्यान रखें तो हमें दिखाई देगा कि जब हमें गुस्सा आता है तो कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा जो हार्ट बीट है वो बहुत फास्ट हो गया, बढ़ गया, अनकंफर्टेबली फास्ट हो गया, तो हमें फील होता है. नहीं तो नॉर्मली चलते फिरते हमारे हार्ट बीट का हमें इतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन जब हमें गुस्सा आता है अगर हम थोड़ा भी ध्यान दें उस तरफ तो हमें दिखेगा कि हमारा हार्ट बीट बहुत बढ़ गया. कभी कभी अगर हम अपने हाथ को देखें तो हमारा हाथ हिल रहा होगा, कांप रहा होगा, हमारी आवाज ट्रेम्बल करती है. तो ये सब चीजें जो है ये शरीर के ऊपर असर डायरेक्ट है, हमारे अंदर क्या चल रहा है उसका असर. तो अगर ये जो इफेक्ट्स हो रहे हैं बॉडी के ऊपर, अगर ये कभी कभार हुए, थोड़े वक्त के लिए हुए, तो इसका ज्यादा असर नहीं रहता. टेम्पोरेरली बॉडी थोड़ा डिसहार्मनी में चले जाती है लेकिन फिर वापस आ जाती है. लेकिन अगर ये बार बार हुआ और ज्यादा लंबे समय के लिए हुआ तो फिर इसका असर ज्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में दिखाई देता है. और ये सब प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी कहा, जैसे वो स्ट्रेस और सो मेनी अदर थिंग्स, ये सब लिंक्ड है, ये एक अलग चीज नहीं है.
तो जो हम जैसे स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो स्ट्रेस क्या है? देखा जाए तो ऐसा बोलते हैं कि अगर सिचुएशन स्ट्रेसफुल है तो सिचुएशन को अवॉइड करो, तो ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रेस सिचुएशन में है या अपने अंदर है। अगर सिचुएशन स्ट्रेसफुल है तो फिर हर एक के लिए सेम होना चाहिए। अगर स्ट्रेस सिचुएशन में है तो हर किसी को उस सिचुएशन में स्ट्रेस फील करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। किसी को अगर ड्राइव करते हुए स्ट्रेस होता है, दूसरे को ड्राइविंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। किसी को कहीं और जाके कहीं टॉक देना है, उसमें बहुत स्ट्रेस लगता है, दूसरे को नहीं लगता। तो सिचुएशन में स्ट्रेस है या सिचुएशन के रिस्पॉन्स में मेरे अंदर क्या चल रहा है वो स्ट्रेस है। तो हम क्या प्रपोज कर रहे हैं कि जो ये डिफरेंस है बिटवीन व्हाट आई वांट टू बी एंड व्हाट आई एम, मतलब मैं क्या चाहती हूँ और मैं क्या हूँ, इन दोनों में जब फर्क आता है, इसी को स्ट्रेस बोलते हैं। कि जब मैं, मेरी जो इमेजिनेशन है, मेरी जो कल्पनाशीलता है, अगर वो मेरे नेचुरल एक्सेप्टेंस के इन लाइन नहीं है, उससे कुछ अलग है, तो मेरे अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता है, मेरे अंदर कुछ डिस्टर्बेंस चलता है, और यही डिस्टर्बेंस है जिसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। लेकिन हमें अभी इतने मेडिकल सिस्टम में इतनी क्लैरिटी नहीं है कि हम स्ट्रेस को इतना क्लियरली डिफाइन कर पाए, लेकिन यही स्ट्रेस है। और इस स्ट्रेस की वजह से हम इतने सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज एंड सो ऑन। अब इंडिया में वी आर द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सो हमारे यहाँ बहुत से यंग लोगों को डायबिटीज हो रहा है, 30s में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो ये क्यों है? ये स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस एक कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है इसका। लेकिन हम क्यों बात नहीं कर पाते? क्योंकि हमें वो क्लैरिटी नहीं है कि स्ट्रेस है क्या। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम हो, ये प्रपोजल है सेल्फ रेगुलेशन का, कि जिससे हम इस प्रोग्राम से हेल्दी रह सकें। ऐसा नहीं कि हम वेट करें कि हम बीमार पड़ें और फिर दवाई लें, लेकिन हम शुरू से हेल्दी रह सकें। तो उसके लिए फोकस किस पे करना है? एक तो इनटेक पे। इनटेक यानी क्या? नॉट जस्ट के जो हम खाना खाते हैं, सिर्फ वो नहीं, हम क्या क्या अंदर लेते हैं। जैसे हम जो हवा अंदर लेते हैं, जो हम पानी पीते हैं, जो धूप हमारे सनलाइट जो हमारे शरीर को टच होती है, वो सब इनटेक में आता है। फिर दूसरा देखें तो डेली रूटीन। डेली रूटीन यानी जिसको हम लाइफस्टाइल बोलते हैं, तो लाइफस्टाइल यानी अपनी दिनचर्या। तो सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं, हम कब उठते हैं, हम कब सोते हैं, हम किस टाइम खाना खाते हैं, वो सब बातें वो डेली रूटीन से लिंक्ड है। और फिर है लेबर। लेबर यानि नेचर के साथ हम कुछ काम करें जिससे कि हमें कुछ प्रोड्यूस मिले। जैसे कि अगर हम एक किचन गार्डन लगाएं, उसमें सब्जियां उगाएं, तो हम मूवमेंट भी हो रहा है बॉडी का और साथ में हम कुछ प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ ये तीन चीजें भी कर लें कि हमारा इनटेक सही हो, हमारी दिनचर्या सही हो और हम थोड़ा बहुत श्रम कर लें, उतने से भी बहुत कुछ हमारी हेल्थ ठीक रह सकती है। फिर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत रहा तो फिर हम उसके लिए एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और पोस्चर्स हैं जो जैसे योगा में करते हैं अपने शरीर के सब ऑर्गन्स को ठीक रखने के लिए, या जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जैसे प्राणायाम वगैरह करते हैं, उससे भी शरीर बहुत हद तक ठीक रह सकता है। तो अगर हम सिर्फ ये तीन पॉइंट भी रख लें, हमारे इनटेक और डेली रूटीन जो हम श्रम कर पाते हैं या एक्सरसाइज और थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम जो कर लें, उतने से बाय एंड लार्ज हमारे मैक्सिमम हेल्थ ठीक रहेगी, प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा। फिर भी अगर हमारे कभी गड़बड़ हो जाती है दिनचर्या, या हम कुछ ठीक इनटेक नहीं लेते हैं, या कुछ और वजह से अगर हमारी बॉडी कभी कभी टेम्परेरली डिसहार्मनी में चली जाती है, तो तब हम सोच सकते हैं कि हम दवाई लें। और दवाई के पहले भी हम थोड़ा सा बात करेंगे कि अपने घर में जो होम रेमेडीज जिसको बोलते हैं, अपने किचन में, हर घर में जो
चीजें मिलती हैं जिनसे हम अपनी हेल्थ ठीक रख सकते हैं, उनको यूज करें, और उससे काम ना बने तब डॉक्टर के पास जाएं या दवाई लें। और जब हमारा जो टेम्पररी डिसहार्मनी से भी आगे अगर शरीर खराब हुआ किसी वजह से, परमानेंटली डिसहार्मनी में चला गया जो कि हम रिवर्स नहीं कर पाते, तब हम ऐसी चीज पे डिपेंड करें, ऐसी दवाई पे या ऐसी मशीन पे डिपेंड करें जिससे कि हमारा बॉडी फंक्शन वो मशीन से या वो दवाई से वर्क करे, उसको हम ट्रीटमेंट कह रहे हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं, अगर हम देखें तो डायबिटीज में क्या कर रहे हैं हम, डायबिटीज होता है तो हम डायरेक्टली या तो दवाई लेते हैं जिससे कि ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे, या फिर हम इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन क्या है, जैसे अपना शरीर इंसुलिन, पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है जिससे कि शुगर कंट्रोल में रहती है, तो हम डायरेक्टली वो इंसुलिन बाहर से दे रहे हैं। तो क्या हम इन सब चीजों के बदले कुछ और कर सकते हैं जिससे कि हमारी हेल्थ ठीक रहे और हमें इतना सब उस पर डिपेंड ना करना पड़े, तो वो इस पूरे पर्पस, उस पर्पस से हम ये बात कर रहे हैं। तो अगर हम इनटेक देखते हैं, जैसा हमने कहा कि जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स से जो भी हम अंदर लेते हैं वो सब इनटेक में आता है, तो वाटर, सनलाइट, एयर, फूड, सब कुछ। इवन जो हम आउटसाइड क्या चल रहा है, हमारे किस सिचुएशन में है हम, बाहर क्या चल रहा है, उसकी वजह से हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या विचार आ रहे हैं, वो सब भी इनटेक कहलाता है। क्योंकि हम किसी बाहर की चीज की वजह से कुछ हमारे अंदर विचार जेनरेट होते हैं, तो वो भी इनटेक कहलाता है। तो अगर हमें हेल्दी रहना है तो सबसे पहले अगर हम फूड की बात करें तो फूड न्यूट्रिशियस होना चाहिए, शरीर के लिए ठीक होना चाहिए, शरीर के लिए पौष्टिक होना चाहिए, नर्चर करना चाहिए शरीर को, उस टाइप का फूड खाएं। डाइजेस्टिबल होना चाहिए। अगर मेरी उम्र 50 साल की है और मैं अपना टीनेज बच्चे के डाइट को लेके खाऊं तो मेरा शरीर उसको डाइजेस्ट कर पाएगा क्या, तो वो सब भी हमें ख्याल रखना है कि हम, हमारी एज क्या है और उसके हिसाब से हम खाएं। टेस्टी तो खैर हम देखते ही हैं कि फूड हमारा टेस्टी रहे, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि जो हम फूड खा रहे हैं उसका वेस्ट हमारे शरीर से बाहर जा रहा है कि या वहीं टिका हुआ है, मतलब कि हमारे फूड में फाइबर है कि नहीं। फाइबर यानी फाइबर वो पार्ट है फूड का जो डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो भी वेस्ट मैटर है हमारे शरीर के अंदर वो बाहर जा सकता है इजिली, क्योंकि वो फाइबर से नीचे नीचे जाके हमारी इंटेस्टाइन्स जो हैं 20 to 24 to 26 feet लॉन्ग हैं, तो उतनी लंबी इंटेस्टाइन से पूरा वो खाना जाना, वेस्ट मैटर जाना और शरीर से बाहर आना, वो एक लंबा रास्ता है। तो अगर जो हम खाना खाते हैं अगर उसमें फाइबर नहीं है तो वो वहीं अंदर इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग में ही चिपका रह जाएगा और फिर टाइम से बाहर नहीं आएगा। तो अगर हम देखें जैसे हम फल सब्जी खाते हैं, अगर हम कच्चा फल खाएं तो 6-8 घंटे में वो पूरा रास्ता तय करके नीचे तक आ जाएगा, लेकिन अगर हम पका हुआ खाना खाते हैं तो वो भी चलो 10-12 घंटे में आ जाएगा, पकी सब्जियां। लेकिन सपोजिंग हम मीट मांस वगैरह खाते हैं, स्पेशली अगर वो थोड़ा कच्चा रहा वैसा टाइप का मीट मांस खाते हैं तो वो 3 दिन तक अंदर ही शरीर में रहेगा। तो अब अगर शरीर में रहेगा तो क्या इससे नुकसान होगा, अभी हम देख रहे हैं कि बाहर कितनी गर्मी है तो अपने शरीर के अंदर और भी गर्मी है और मॉइस्ट भी है, ह्यूमिड भी है। जैसे कि एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है टिपिकली, वैसा माहौल है अपने शरीर के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो अगर ऐसे माहौल में अगर कोई चीज ज्यादा टाइम रहेगी जो वेस्ट मैटर है तो क्या होगा, उससे वो सड़ता जाएगा और उससे जो भी टॉक्सिन्स निकलेंगे
वो सब हमारी बॉडी में फिर से सर्कुलेट होते जाएंगे क्योंकि वो बाहर ठीक से नहीं आ रहा। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे फूड में फाइबर हो। इवन जो हम अनाज खाते हैं, अगर वो अनाज जो साबुत ग्रेन है, होल ग्रेन है, उसके नजदीक की रहा तो वो बेटर है। लेकिन अगर हम उसको ज्यादा ज्यादा प्रोसेस करके खाते हैं तो फिर उसका इतना फायदा नहीं है। जैसे अभी किसी ने कहा कि ओट्स अच्छी चीज है खाने को, ठीक है अच्छी चीज है खाने को, लेकिन जब हम वो मसाला ओट्स का क्विक फिक्स 2 मिनट वाला पैकेट खा रहे हैं तो उसमें ओट्स का गुडनेस है ही नहीं। हमने उसको इतना प्रोसेस कर दिया कि उसमें कुछ बचा ही नहीं। तो फिर चाहे वो ओट्स का बना हो, चाहे चावल का बना हो, चाहे किसी भी चीज का, सूजी का या जो का, जिस भी चीज का बना हो, उससे ज्यादा हमें कोई फायदा नहीं होगा शरीर को। सिमिलरली जैसे हम गेहूं खाते हैं, अब गेहूं से क्लोजेस्ट जो होल ग्रेन को है वो है दलिया। तो दलिया फिर भी थोड़ा कोर्स है, उसमें फाइबर है। अगर हम उसको और प्रोसेस कर देते हैं, और फाइन कर देते हैं, तो आटा बनाते हैं। आटा भी अगर आप देखेंगे तो 15-20 साल पहले थोड़ा मोटा आटा पिसा जाता था। अब जो आटा बाजार में मिल रहा है वो बहुत फाइन है। तो वो इतना फाइन होने की वजह से फिर वो एक्सक्रीटेबिलिटी उसकी कम हो जाती है, फाइबर पार्ट कम है। सिमिलरली अब आटे के बाद अगर हमने उसको और प्रोसेस कर दिया और मैदा लिया, तो मैदा जो है उसमें न्यूट्रिशन तो जीरो हो गई और फाइबर भी जीरो है। तो फिर आप समझ लीजिए कि सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं, उसमें शरीर का कुछ फायदा होने नहीं वाला। तो ये हो गई फूड के बारे में बातें। अब जो बाकी हमारे सेंसेस से जो आ रहा है, सो हमने कहा फ्रेश एयर, सनलाइट, ये तो हम देख ही रहे हैं कि फ्रेश एयर से कितना फर्क पड़ता है। आजकल थोड़ा बहुत ये जो कोविड की वजह से थोड़ा पोल्यूशन कम हुआ, नहीं तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा था। और पोल्यूशन से नेचुरली फिर हम वही एयर अंदर ले रहे हैं तो बॉडी को नुकसान तो होगा ही। सनलाइट जब हम नहीं लेते, हमारा शरीर पे सनलाइट नहीं पड़ता, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हम देख ही रहे हैं आजकल कितना कॉमन हो गया है। तो वो चीजें भी जरूरी हैं। फिर जो हमने बात करी कि जो जब हम कोई भी सिचुएशन में होते हैं तो हमारे अंदर क्या चल रहा है। अक्सर क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं उस टाइम पे हम टीवी चला लेते हैं, या हम अपने फोन में बिजी हो जाते हैं, या फिर हम कोई पिक्चर लगा के बैठ जाते हैं, वो देखते हैं। तो हम क्या खा रहे हैं, कितना हमें खाना है, कब हमें स्टॉप करना है, ये कैसे पता चलेगा? ये सेल्फ तो अब हो गया डिस्ट्रैक्ट, सेल्फ तो बिजी हो गया वो टीवी में या यू नो मूवी में या फोन में। तो अभी कौन डिसाइड करेगा कि कब स्टॉप करना है और क्या हम खा रहे हैं? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम खाते समय खाने पे ध्यान दें, बातें भी इतनी ना करें, सब साथ में बैठ के जरूर खाएं, लेकिन खाते टाइम वो ध्यान दें कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब हमें रोकना है। सो अगर हम स्पेशली अगर हम खाना खाते टाइम झगड़ा कर रहे हैं या कुछ वायलेंस देख रहे हैं, तो हमारे अंदर कुछ विचार चलते हैं, चाहे हम उसके बारे में सजग हैं या नहीं हैं, हमारे अंदर वो विचार चल रहे हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर के ऊपर बहुत असर पड़ता है। फिर चाहे हम पौष्टिक से पौष्टिक खाना खाएं, उसका असर अच्छा नहीं होगा शरीर के लिए। इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक पॉइजन फॉर अस। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये हो गई इनटेक की बातें। फिर हमारी दिनचर्या कैसी है, क्योंकि हमारा शरीर एक मटीरियल यूनिट है, तो वो जो पूरे नेचर के जो मटीरियल लॉज हैं उनको फॉलो करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जब सूरज ऊपर उगता है तब इट इज टाइम टू वेक अप। तो एटलीस्ट जब यू नो सुबह डॉन का टाइम जब सिर्फ रोशनी स्टार्ट हो रही है तब हमें उठ जाना चाहिए। सो आइडियली 4 से 6 के बीच में, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो टाइम बेस्ट है। लेकिन एटलीस्ट जैसे आजकल देखें तो 5:30 बजे तक सुबह हो जाती है, तो एटलीस्ट तब तक, नहीं तो 6 बजे तक तो उठ ही जाएं। और सुबह उठ के अक्सर अगर हम थोड़ा गर्म पानी पीते हैं तो उससे फायदा होता है।
क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर नॉर्मली भी बिटवीन 5 and 7 इन द मॉर्निंग समवेयर जो अपना ब्लड सर्कुलेशन है वो इंटेस्टाइन्स की तरफ जाता है टू नेचुरली हेल्प कि इस टाइम पे अगर हम कोशिश करें तो हमारा जो वेस्ट मैटर है वो इजिली बाहर आ सकता है। इसी को हेल्प करने के लिए अगर हम थोड़ा सा गर्म पानी भी पी लें 2 glass उसके पहले बाथरूम जाने के पहले तो इट विल हेल्प। अच्छा अभी अगर हम देर से उठते हैं तब क्या होता है? तभी भी तो बाथरूम जा सकते हैं जरूर, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर उगता जाता है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, अगर आपने देखा होगा कभी बाहर कुछ रखेंगे फल या कुछ जो भी तो वो कैसे सूख जाता है, ड्राई हो जाता है धूप में, तो वैसे ही अपने शरीर के अंदर भी सब कुछ ड्राई होने लगता है। तो जब ड्राई होने लगेगा तो फिर सारा वेस्ट मैटर इजिली बाहर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा थोड़ा अंदर रह जाएगा, तो फिर उससे फिर वो रिसर्कुलेशन में आके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो बेस्ट है सुबह का टाइम बाथरूम जाने के लिए, और हो सके तो जो ब्रेकफास्ट है वो 8 बजे तक कंप्लीट हो जाए वो बेस्ट है, ताकि कम से कम 3-4 घंटे मिले लंच टाइम के पहले ताकि वो जो हमने ब्रेकफास्ट खाया वो डाइजेस्ट हो जाए और फिर हम लंच खा पाए। और क्योंकि सुबह के टाइम एटलीस्ट 10:30-11 तक अपना शरीर में थोड़ा 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 किसी भी फॉर्म में जो वेस्ट मैटर है वो बाहर आ रहा होता है, इसलिए अगर हम शरीर को ज्यादा लोड ना करें और एक लाइट ब्रेकफास्ट खाएं तो वो बेहतर है। फिर जो हमारा लंच है जब सूरज बिल्कुल पीक पे है हमारे सिर के ऊपर, वही टाइम है जब हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है जो अग्नि है अंदर डाइजेशन की वो मैक्सिमम पीक पे रहती है। तो जब वो मैक्सिमम पीक पे है तब बेस्ट टाइम है हमारे लिए खाना खाने के लिए, 12 नहीं तो 1 बजे, एटलीस्ट 2 बजे के अंदर हमारा खाना हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 बजे के बाद जो प्रोसेस है डाइजेशन का अब्सॉर्प्शन का उसमें से जो अपने लिए फायदे है, की चीज है जो हमने खाया उसमें से उसको कलेक्ट करने का, वो शरीर उसमें बिजी हो जाता है। तो इस टाइम पे अगर हम नया सामान डालेंगे अंदर खाना अंदर डालेंगे तो वो हजम ठीक से नहीं होगा। तो ये हो गया दिन का टाइम। फिर डिनर कब खाना चाहिए? आइडियली जब पूरी तरह सूरज ढल जाए उसके पहले खा लें तो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है बिल्कुल खत्म नहीं हुई होगी, लाइट हो गई होगी और हम फिर भी हजम कर पाएंगे और हमारे को कम से कम 2-3 घंटे मिल जाएंगे खाना खाने के बाद जबकि हम डाइजेस्ट कर पाए और फिर हम सो पाए। लेकिन जब हम अगर सपोजिंग देर से खाते हैं जब अंधेरा हो जाता है 8 बज जाता है 9 बज जाता है तब हम खा रहे हैं तो हमारा जो डाइजेशन का कैपेसिटी है वो बहुत कम है तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा और फिर खाना खाते ही अगर सो जाएंगे तो फिर बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं होगा। एक बार सो गए तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो काफी स्लो हो जाता है, तो स्लो हो गया तो डाइजेशन और स्लो हो गया, तो फिर वही बात कि हम अंदर तो ले लिया लेकिन हजम तो हुआ नहीं तो क्या फायदा, सिर्फ टेस्ट के लिए खाया। तो सोना कब चाहिए हमें? 9:30-10 तक सो जाना चाहिए। क्यों सो जाना चाहिए? देर में क्यों ना सोएं? हम 1-2 बजे तक काम करके क्यों ना सोएं? क्योंकि अगर हम 10 बजे तक सो जाते हैं 11-12 बजे तक अगर हम गहरी नींद में होते हैं उसके बाद जो हमारा लिवर है उसके अंदर अपने आप रिपेयर और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। ये अपने बॉडी का जो हार्मनी है जो हमने कहा कि वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है वो अपने आप वो क्लीन होते रहता है। दिन भर में हम उसके साथ क्या दुर्व्यवहार करते हैं उसका पूरा मतलब उसको रिमूव करने के लिए उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए लिवर अपने आप काम करता रहता है। तो हमारा क्या रोल है? हम अगर सिर्फ उसको डिस्टर्ब ना करें, हम सो जाएं उस टाइम तो फिर वो अपना काम ठीक से कर सकता है। हम चल फिर रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, हम सोच कुछ और रहे हैं, वो सब चल रहा है तो फिर हमारा लिवर ठीक से डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगा।
लिवर डिटॉक्सिफाई हुआ, उसके बाद किडनीज का टाइम आता है, फिर किडनीज जो पूरा हमारा वेस्ट रिमूवल सिस्टम है वो डिटॉक्सिफाई होता है, और फिर ऐसे करके 4 to 6 के टाइम तक हमारी बॉडी फ्रेश हो गई, तब हम फिर उठ सकते हैं और फिर हमारा साइकिल फिर स्टार्ट हो सकता है। तो ये हो गई दिनचर्या की बात। अगर क्वेश्चंस हैं तो हम एंड में ले लेंगे, क्योंकि एक ही बार में लास्ट में देख लेंगे। फिर हम बात करते हैं लेबर की, जो हमने श्रम की बात करी कि उससे एटलीस्ट एडिक्वेट मूवमेंट हो सकता है बॉडी का, और साथ में कुछ प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी या कोई और बेनिफिट। फिजिकल फैसिलिटी ना भी हो तो जैसे अगर हम अपने घर का झाड़ू पोछा खुद कर लें, तो उससे हमारे शरीर की भी एक्टिविटी हो गई, एक्सरसाइज भी हो गई, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, साथ में हमारा घर भी साफ हो गया। या हम कहीं कॉलेज जाते हैं या काम पे जाते हैं, अगर हो सके तो हम पैदल जाएं या साइकिल पे जाएं, तो हमारे शरीर का भी कुछ थोड़ा एक्टिविटी हो जाएगी, थोड़ा हेल्थ ठीक रहेगी। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हम गाड़ी में बैठ के जिम जाते हैं और जिम में एक्सरसाइज करके गाड़ी में बैठ के फिर वापस आ जाते हैं। तो जिम में भी वही करेंगे जो साइकिल वाइकल करेंगे, तो वो साइकिल करके हम एज वेल सब्जियां ला सकते हैं या कुछ और सामान लाना है वो कर सकते हैं। तो ये सब भी तरीके हैं जिससे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सर्विस फॉर एल्डर्स एंड चिल्ड्रन, जैसे कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, किसी को मालिश करने की जरूरत है तो मालिश कर दिया, तो उससे हमारा भी शरीर स्वस्थ रहेगा, साथ में एक जो हमारी बॉन्डिंग है दूसरे के साथ, जो रिलेशनशिप है घर में, वो भी ठीक रहेगी। फिर हमने बात करी एक्सरसाइज की, जिससे कि सिर्फ मूवमेंट ऑफ द बॉडी और स्वस्थ रखने की कुछ तरीके हैं। तो उसमें तरह तरह की, जैसे लोग जिम जाते हैं या साइकिलिंग करते हैं या रनिंग के लिए जाते हैं या जो भी है। और फिर दूसरी चीज जो हमने बात करी थी, जो पॉस्चर्स, जिससे कि हम अपने शरीर के ऑर्गन्स को ठीक रखें, और जो ब्रीदिंग टेक्निक्स जिससे कि हम शरीर को ठीक कर सकें, जैसे कि योगा प्राणायाम। अब योगा या योग जो जिसको बोलते हैं, उसका मतलब तो बहुत वास्ट है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ स्वास्थ्य के उससे बात कर रहे हैं, तो सिर्फ उसका जो स्वास्थ्य में रोल है उसकी बात कर रहे हैं। एंड इंसिडेंटली अगर हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है। आप अगर करके देखेंगे तो आपको आप एक्सपीरियंस करेंगे कि सर्दी जुकाम होगा ही नहीं। जो हल्के फुल्के सर्दी जुकाम बुखार ये सब होते हैं अक्सर, वो सब होना ही बंद हो जाएंगे। तो वो आप एक्सपेरिमेंट खुद करके देख सकते हैं। और फिर भी अगर कभी कभार बॉडी में कुछ टेम्पररी डिसहार्मनी हो गई, तो हम होम रेमेडीज ले सकते हैं, जैसे कि जितने भी हमारे किचन में जो हम यूज करते हैं वो टेस्ट के लिए नहीं है, वो उसमें हर एक चीज का बहुत फायदा है। तो जैसे हल्दी है, वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं हल्दी में, तो गले वगैरह के लिए दूध में जैसे मिक्स करके हल्दी लेते हैं रात में उसको बॉयल करके, या फिर डाइजेशन के लिए जीरा हुआ या सौंफ है या अजवाइन है या धनिया है, ये सब का अलग अलग रोल है, सब डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम जो नेचुरल जो हर्ब्स हैं जो हम लगाते हैं, जैसे गिलोय है, गिलोय का क्रीपर सब अपने घर में लगा सकते हैं, बहुत जल्दी से उग जाता है और इजीली उग जाता है, उसको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता। तो उसकी एक छोटी टहनी लेके काट करके उसको पानी में उबाल करके लें, तो उससे भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ जाती है हमें, फिर छोटे छोटे ये सर्दी जुकाम बुखार नहीं होंगे। तो वो कर सकते हैं। अगर हमारा स्किन पे कुछ कट हो गया या कुछ बर्न हो गया या कुछ, तो एलोवेरा प्लांट लगा लें घर में, वो बहुत सूदिंग होता है। आजकल तो बहुत सी मेडिसिनल क्रीम्स जो आ रही हैं वो एलोवेरा क्रीम्स हैं, तो आप डायरेक्ट उस पे एलोवेरा लगा के देख सकते हैं कि कितना कूलिंग और बॉडी के लिए कितना अच्छा है स्किन के लिए। सिमिलरली एलोवेरा से एसिडिटी भी बहुत रिड्यूस हो जाती है, तो अगर हम एलोवेरा रोज सुबह थोड़ा सा ले लें तो एसिडिटी पूरी खत्म हो जाएगी। इसी तरह जो पेठा होता है, पेठे का जूस अगर आप सुबह सुबह लेते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अल्कलाइन
तो उससे भी एसिडिटी एकदम रिड्यूस हो जाती है. फिर उसके बियॉन्ड अगर कुछ जरूरत है तो वी हैव ऑल दीज इंटीग्रेटेड सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन. अपने देश में तो एलोपैथी है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है. फिर जो भी आपको सूट करे आप उसमें से ले सकते हैं. एंड लास्ट इज द सिचुएशन जबकि अगर आप मतलब बॉडी बिल्कुल ही डिसहार्मनी में चली गई और हम किसी भी तरह उसको रिवर्स नहीं कर पाते, तभी हमें डिपेंडेंट होने की जरूरत है. तो जैसा हमने एग्जाम्पल लिया था, डायबिटीज में इंसुलिन लेते हैं, अगर किडनीज काम नहीं कर रही तो डायलिसिस बाहर से लेते हैं, या जब हम सांस खुद नहीं ले पा रहे तो वेंटिलेटर से हमारे शरीर में सांस दिया जाता है. बट वो सब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं. सो हमारा फोकस मेडिसिन और ट्रीटमेंट से हट के अगर हम हेल्थ पे रखें तो हमें यही तीन चीजें जरूरी करनी है, इनटेक, डेली रूटीन और लेबर, पहले तो ये. और अगर इससे ना बन पाए तो फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और योगा प्राणायाम, और फिर उसके बाद देखें अगर जरूरत पड़े तो मेडिसिन, और लास्ट स्टेज अगर कुछ नहीं रिवर्स कर पा रहे तभी ट्रीटमेंट के उस पे जाएं. तो समाप में खैर सिर्फ यही है, हेल्थ के बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि जो सेल्फ और बॉडी है ये हार्मनी में तभी रह सकते हैं जब सेल्फ में ये फीलिंग रहे सेल्फ रेगुलेशन का, तभी बॉडी में हेल्थ रहेगी. और जब ये फीलिंग रहेगी सेल्फ में तब हम जो भी जरूरत होगी, जिस भी तरीके से हम शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे वो हम करेंगे, तो फिर हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी. और फिर जो सेल्फ इंस्ट्रक्शन देगा बॉडी को तो बॉडी फिर उसी हिसाब से काम करेगी और हार्मनी मेंटेन रहेगी. तो ये मुझे कहना था. अब अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं ले सकती हूँ. जी डॉक्टर राजेश प्रसाद जी, बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे पार्टिसिपेंट्स का वो दिख नहीं रहा. नहीं मैं बोल रहा हूँ शर्मिला भाभी, मैं बोल रहा हूँ. हेलो मैं मोहित. हेलो हाँ राजेश सर, आप अपना प्रश्न. हाँ सर, हाँ सर, मेरा क्वेश्चन मैडम ने जो अभी बताया उस कोई नेम्स कॉल आउट करने को अगर किसी को क्वेश्चन है तो. राजेश प्रसाद बोल रहे हैं जी. सर बोलिए. मैडम का तो हमने बहुत अच्छा सुना और बहुत अच्छा, बहुत सिंपल वे में डॉक्टर कैसे बता सकते हैं तो वो बहुत अच्छा लगा. लेकिन मेरा नमस्ते, नमस्ते शर्मिला दीदी, मैं दिलशाद बोल रहा हूँ. मोहित भैया इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. और मोहित भैया हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी जी दीदी, आपकी तो आवाज आ रही है लेकिन क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी भैया लगता है कि दीदी, अच्छा लगता है कि दीदी के, हाँ दीदी आवाज आ पा रही है आपको? हाँ हाँ आ रही. तो मोहित जी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जो भी क्वेश्चन रहेंगे तो मोहित जी उन्हें कॉल करेंगे. ठीक है, ठीक है. राजेश सर अब आप अपनी बात को रख सकते हैं. हाँ जी सर, मैडम जो बता रही है वो बहुत अच्छा बता रही थी. एक डॉक्टर होने के नाते बहुत ही सिंपल वे में बताया उन्होंने कि हमें अपनी दिनचर्या कैसे रखनी चाहिए. लेकिन मेरा सवाल सर थोड़ा सा अलग था. मेरा एक प्रॉब्लम ऐसे हो गया कि कल एक असाइनमेंट जो दिया गया था वो असाइनमेंट अनफॉर्चुनेटली हम डाउनलोड नहीं कर पाए थे. तो उससे संदर्भ में हमने टेक्निकल टीम को SMS किया है और एक जो मेल ID दिया है उस पे मेल किया है. जरा उसके ऊपर अगर ध्यान दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा सर. आज का असाइनमेंट किया है सर हमने, कल वाला मेरा गलती से रह गया सर, क्योंकि कल असाइनमेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ इसलिए मेरे ध्यान से रह गया सर. प्लीज उसके ऊपर ध्यान दें. ठीक है सर, ठीक. हाँ थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर रुचि जैन जी, डॉक्टर रुचि जैन जी सुन पा रहे हैं? मिस्टर संजय, मिस्टर संजय जी आप सुन पा रहे हैं?
डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर स्वाति राजेश दीक्षित जी। हेलो। हेलो। हाँ मैम। हाँ, नमस्ते, मैं डॉक्टर स्वाति दीक्षित बोल रही हूँ नागपुर से। नमस्ते। एक्चुअली मेरा बेटा भी अभी सुन रहा था मैडम आप जो बता रहे थे, तो मेरा बेटा अभी 12th स्टैंडर्ड में है, तो उसका यही क्वेश्चन था। जैसे आपने दिनचर्या के बारे में बताया कि रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि फंक्शंस सारे होते हैं प्रॉपरली, तो इन लोग स्टूडेंट्स कैसे रात को थोड़ा देर तक पढ़ते हैं, तो वो उसको वही डाउट हुआ कि मैं तो 12 एक बजे तक रोज पढ़ता हूँ और मैडम बता रहे कि जल्दी सोना चाहिए, तो उसे थोड़ा टेंशन हुआ, वो बोल रहा था मुझे कि मैम मम्मी आप पूछिए क्वेश्चन। हाँ, तो यही जो 2-3 घंटे वो रात में पढ़ते हैं, अगर रात में जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठ के पढ़ लें तो एक्चुअली सुबह 7-7:15 बजे उठ जाता है, बट एकदम सुबह उठना नहीं होता है उसे, रात में पढ़ लेता है अच्छे से, वही पढ़ता ही है वो रात को, अपना अभ्यास नहीं है इस तरीके का, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम वो साइकिल रिवर्स कर सकते हैं। ओके, आप देखिए अगर जब छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल स्टार्ट करने के पहले, तो अक्सर पेरेंट्स यही बोलते हैं कि बच्चे रात में ही जगते हैं और जल्दी नहीं सोते और दिन में देर से उठते हैं, लेकिन जब वही बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो पूरा दिनचर्या एकदम करेक्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो अभ्यास की बात है, तो यही चीज चेंज करना चाहिए उन्होंने, ट्राई करके देख सकते हैं, 2-3 हफ्ते ट्राई करके देख सकते हैं कि अगर जल्दी सो गए और सुबह 7 बजे के बदले से अगर अभी 12-1 बजे सो रहे हैं, रात में 9:30-10 बजे तक सो गए और 4 बजे उठ गए, तो भी वही बात हुई ना, 2-3 घंटे दिन में सुबह में मिल जाएंगे, यानी फिर वैसे नहीं करना चाहिए इन लोग। हाँ, मतलब थोड़े टाइम के लिए करेंगे तो थोड़ा टेम्पररी डिसहार्मनी में चली जाएगी बॉडी, लेकिन अगर बार बार लॉन्ग टर्म ऐसा करेंगे तो अभी 11-12 दोनों साल तो ऐसे ही चल रहा है उनका। हाँ, वही वही, फिर आगे भी कुछ रहेगा ना, फिर कॉलेज हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, आदत ऐसी बन जाएगी वैसे भी बॉडी की। वही वही। हाँ मैम, ठीक है, थैंक यू, वेलकम। डॉक्टर रुचि जैन जी, सुन पा रहे हैं? सर आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही। हाँ सर, मेरा भी लगभग यही क्वेश्चन था कि आजकल की रूटीन लाइफ ही ऐसी हो गई है कि मोस्टली वुमेन्स खाना बनाने ही स्टार्ट करती हैं, 7-8 बजे तक बनता है और 8 बजे के बाद ही लोग खाना खाते हैं, 9 बजे तक तो खाना ही चलता है मोस्टली, मतलब हर एक घर में ही मैं देखती हूँ कि ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से मतलब क्योंकि लोग फ्री होके कॉलेज से ही लौटते हैं 5:00, तुरंत खाना बनाने लग नहीं जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, 6:30-6:30 तक स्टार्ट होता है, तो मतलब ये जो रूटीन है कि 10 बजे सो जाओ, इट्स पॉसिबल, पर मतलब जो गैप होना चाहिए डिनर और सोने का वो उतना मेंटेन नहीं हो पाता, 9 बजे खाते हैं, 1 घंटे का गैप रहता है, 10 बजे तक सोने की कोशिश करते हैं, 11 बजे तक सो जाते हैं, पर वो गैप जो 3-4 घंटे का होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। या उससे क्या होगा ना कि धीरे धीरे वो जो डाइजेशन ठीक नहीं होने की वजह से जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं स्लोली। नहीं, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर पे हैं, लोग मेंटेन कर सकते हैं कि 6 बजे तक खाना बन गया और खा लिया, पर जो वर्किंग है, जो डेली काम कर रहे हैं, कुछ लोड भी रहता है, कॉलेज का भी काम रहता है, तो उस तरीके से मतलब पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि 6 बजे ही खाना खा लिया जाए। या सो 6 नहीं हो, 7-7:30 हो, 8 बजे तक हो, 7:30-8 बजे तक खा ले। हाँ, इस तरीके से हम लोग तो खा लेते हैं, पर बच्चे भी आजकल बोलो तो बोलते हैं एक बार और भूख लगाएगी, इस तरीके से काफी चीजें हैं। मालूम, मैं तो खुद जैन हूँ तो हमारे यहाँ तो शाम को जल्दी खा ही लेते हैं, पर आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो बहुत मुश्किल होता है उनको मतलब मेक अंडरस्टैंडिंग करवाना है कि नहीं खा लेना चाहिए जल्दी, मतलब उनको उनको आप सिर्फ इतना एक्सप्लेन करके छोड़ दीजिए कि ये असर होता है इसका, बाकी मतलब ग्रोन अप है, बच्चे खुद डिसाइड कर सकते हैं, एक बहुत ही नॉन जजमेंटल वे में अगर हम उनको बताते हैं तो उनकी भी नेचुरल एक्सेप्टेंस है अपने शरीर को ठीक रखने की।
अभी तो वो छोटे हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अभी तो बहुत छोटे हैं, जैसे एक 6 साल की है और एक 10 साल का है, फिर भी अगर आप उनको भी ये समझाएंगे तो वो समझ पाएंगे। 3 साल के बच्चे तक तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबके अंदर है, और वो 3 साल के बच्चे ऑनवर्ड आप देख सकते हैं कि अगर आप वो प्रपोजल रखेंगे बच्चे के सामने तो वो बच्चा खुद सही प्रपोजल चूज करेगा। लेकिन हमें सिर्फ उनको बताना है कि ये क्यों ठीक है, ये क्यों ठीक नहीं है, बाकी चॉइस उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो करेक्ट चॉइस चूज करेंगे। Okay. आप ट्राई करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। मैं कन्विंस नहीं करना चाहती आपको। नहीं, हम लोग बोलते रहते खाना बन गया है, नहीं अभी भूख नहीं लगी, अभी भूख नहीं लगी, तो फिर देखना पड़ेगा कि कुछ और खा रहे हैं क्या खाने के पहले, है ना। तो कभी क्या होता है कि जब स्कूल से घर आते हैं कुछ उस टाइम पे भूख लगी होती है, तो अगर कुछ हैवी खा लिया तो खाने के टाइम, आजकल बहुत सारे ऑप्शंस भी हो गए ना खाने के घर में, नमकीन और ये सब। हाँ, तो उस कारण से कौन ला रहा है, कौन रख रहा है घर में, वो भी तो बात है ना। ये तो आज थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मतलब थोड़ा सा। आप ऐसा कर सकते हैं ना कि जो चीज अपने लिए ठीक है शरीर के लिए वो ऑफर कीजिए। जैसे अगर आप शाम में बच्चे घर आते हैं स्कूल से, तो उनको यू नो फ्रूट दे सकते हैं, फ्रूट खा लेंगे तो 2-2.5 घंटे में फ्रूट हजम हो जाएगा, तो फिर भूख लग जाएगी खाने के पहले। लेकिन कुछ हैवी फ्राइड चीजें खाएंगे तो फिर भूख नहीं होगी, और हमने गलत चीज खा ली और जब सही खाने का टाइम आया तो हमारे को भूख नहीं है। कोशिश करूंगी। वो असर तो पड़ेगा ना शरीर पे। शरीर तो मटेरियल चीज है, मटेरियल यूनिट है, उसके अंदर जो रिकॉग्निशन फुलफिलमेंट है वो डेफिनेट है, उसका कॉन्डक्ट डेफिनेट है, चॉइस सिर्फ सेल्फ के पास है। और मैम ये जो योगा एक्सरसाइज ये सब राइट अंडरस्टैंडिंग से ही आती है ना। जब राइट अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो मेरे अंदर वो फीलिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन रहेगी। मेरे अंदर फीलिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन रहेगी तो फिर मैं वो सब करूंगी जिसके वजह से मेरा शरीर स्वस्थ रहे। तो उसमें योगा प्राणायाम भी आ सकता है। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक। प्रोफेसर अभय अरुण जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। नमस्ते सर, बोलिए। एम आई ऑडिबल? हाँ, यस यू आर ऑडिबल। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हेलो अभय सर, बोलिए। आपका माइक तो अनम्यूट दिख रहा है मुझे। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अभय सर। योगा प्राणायाम और सुबह जल्दी उठने का और रात को सोने का जो सर्कल दिखा दिया है वो भी ऐसा है, सोने का और सुबह 4 बजे उठने का, ये फॉलो नहीं कर पाते हमेशा से। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। क्या आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो सुझाव दे रही है कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए और हमारा दिनचर्या ऐसा रहना चाहिए, वो समझो हम किसी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए पैरेलल कुछ है क्या? वो टाइम बाउंड इज इम्पोर्टेंट। और अभी मैं खुद के बारे में बोलूं तो मैं सूर्य नमस्कार के बारे में आपने कुछ बोला नहीं, तो हाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सूर्य नमस्कार विद रिस्पेक्ट टू दिस योगा प्राणायाम? कैन वी हैव यस ऑफ कोर्स, आई वुड कंसीडर दैट पार्ट ऑफ योगा ओनली। हाँ हाँ, नहीं जब मेरा कहने का ये था कि हम जब फॉलो नहीं कर रहे, अभी जब नाउ आई एम वर्किंग एज ए डीन इन वन ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज, सो वी हैव लॉट ऑफ असाइनमेंट्स टास्क नाउ इन दिस सिचुएशन ऑफ कोविड, आल्सो वी हैव ऑनलाइन क्लासेस लेक्चर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, सो वी कांट मेंटेन दैट अर्ली स्लीप एंड दैट वेक अप इन द मॉर्निंग, सो उसका परिणाम हमेशा से बॉडी पे होता ही है, टोटल 6 घंटा स्लीप हो गया तो दैट इज ओके? कुछ असर तो होगा।
आई एम नॉट सेइंग कि हर एक किसी को 4 o'clock उठना जरूरी है. आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट. आई एम नॉट प्रिस्क्राइबिंग एनीथिंग. ऑल आई एम सेइंग इज कि अपना शरीर जो है इट इज अ मटेरियल यूनिट. इट फॉलोज सर्टन लॉज ऑफ नेचर. सो जैसा सन साइकिल है वैसा चलता है. तो एटलीस्ट अगर हम 6 बजे उठ जाते हैं व्हेन द सन इज कमिंग अप, तो फिर हमारा जो साइकिल है रूटीन वो ठीक चलता है. दैट इज द स्टार्ट ऑफ द करेक्ट साइकिल. लेकिन तो आई एम नॉट सेइंग कि 4 बजे उठना जरूरी है, लेकिन एटलीस्ट 4 to 6 नहीं तो क्लोज टू 6 एटलीस्ट इफ वी वेक अप तो भी चलेगा. नहीं कभी कभार क्या होता है कब इम्पोर्टेंट मीटिंग्स वगैरह रहकर दोपहर का खाना खाने में 3 या 4 बज जाते हैं समझो. तो कई लोग ऐसा सुझाव देते हैं कि अगर समझो आपने 1 बजे तक खाना नहीं खाया और 4 बज गए तो खाना खाओ ही मत. सो वेदर दैट इज गुड. आई वुड से कि इंस्टेड ऑफ मिसिंग द मील कुछ लाइट खाएं जो कि जल्दी हजम हो सके, बॉडी के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े. रेगुलर टिफिन जो हमारा बचा है अभी 4 बजे हमने खोला है तो उसको न खा के दूसरी चीज खानी चाहिए क्या अगर टाइम क्रॉस हो गया तो? कुछ लाइट खाएं लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ और अनहेल्दी चीज खाएं, कि टिफिन छोड़ के हम कुछ और अनहेल्दी चीज खाएं वो भी नहीं हम कह रहे. कुछ लाइट खाएं. कोशिश तो यही रखें कि 3-4 बजे खाने की नौबत ना आए, या तो मीटिंग के पहले थोड़ा सा लाइट खा लें. एक्चुअली आफ्टर अ सर्टन एज जब हम 45-50 ईयर्स के होते हैं तब तक हमें 2 meals से ज्यादा की आवश्यकता है नहीं. सो रियली स्पीकिंग अगर हम 1 meal अपना 10:30-11 खा लें और फिर शाम का मील 7:30 बजे खा लें तो दैट ऑल्सो इज सफिशियंट फॉर द बॉडी. और एक आखिरी सवाल मैडम. हाँ. कि फ्रूट के बारे में बोलते हैं कि हम फ्रूट खाने के बाद नहीं खाना चाहिए, तो whether that is true? Yes, that is true. Because fruit ideally should be eaten before the meal. उसका जो you know, अगर हम खाना पहले खा लेते हैं और फिर फ्रूट बाद में खाते हैं तो वो ठीक से हजम नहीं हो पाता. लेकिन फ्रूट हम पहले खा लें उसके बाद खाना खाएं, दैट इज अ बेटर ऑप्शन. नहीं मैडम थोड़ा अब मेरा रेंज चला गया था, इट वाज नॉट ऑडिबल फॉर लास्ट 10-20 सेकंड्स. या सो फ्रूट आइडियली शुड बी ईटन बिफोर द मील नॉट आफ्टर द मील. अच्छा अच्छा ठीक है मैडम. ओके ओके डॉक्टर स्मिताली जी. यस एम आई ऑडिबल सर? यस यू आर ऑडिबल. हाँ मैम एक्चुअली आई वॉन्टेड टू आस्क कि हम लोगों ने ये भी मतलब सुना है पढ़ा है बहुत आर्टिकल्स में कि आप थोड़ा थोड़ा खाइए लेकिन हर घंटे के बाद खाइए. सो ये कहाँ तक मतलब फ्रूटफुल है? ये थिंकिंग आई थिंक वेस्ट से आई है. या बट यू नो दिस इज नॉट एट ऑल समथिंग दैट इज प्रपोज्ड बाय अस और बाय आर ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन. क्योंकि जब अगर हम हर घंटे खाते हैं हाँ. तो हमारे शरीर को हम टाइम ही नहीं दे रहे हैं ठीक से हजम करने का. बिकॉज करेक्ट करेक्ट यू नो फॉर 1 meal टू गेट डाइजेस्टेड प्रॉपरली इट टेक्स 4 hours. सो इफ वी आर ईटिंग एवरी 1 hour इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट. फिर तो यू नो जैसा ये डायबिटीज या कोई कोई कंडीशन में एसिडिटी के लिए बोलते हैं कि आप यू नो फ्रीक्वेंटली खाइए. अगर हम हर घंटे खाएंगे तो हमें एसिडिटी नहीं हो तो भी हो जाएगी क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा खाना. क्योंकि मैम मेरी जो फ्रेंड है वो वेट लॉस करने के लिए एक इनके पास जाती है डाइटिशियन के पास, तो उन्होंने उनको पूरा चार्ट बना कर दिया है कि 1.5 घंटे बाद आपको ये खाना है, मतलब टाइम लिमिट दिया है फ्रॉम 10 to 10:30 विद इन दिस यू हैव टू ईट सो एंड सो. फिर बाद में आपको 12-12:30 बजे आपका लंच करना ही है, फिर वापस 2 बजे आपको ये खाना है, फिर वापस मतलब गैप ऑफ 1.5-2 घंटा के बाद उन्हें खाने ही बोल रहे हैं. और बेसिकली वो जा रही है वेट लॉस करने के लिए. और उसमें डिफरेंस भी हम लोगों ने देखा है. मीन्स राइट नाउ उन्होंने आई थिंक 2 या 3 महीने कम्प्लीट किए थे बिफोर द लॉकडाउन एंड शी हैड लॉस समवेयर अबाउट 7 to 7.5 kgs ऑफ हर वेट. So I don't know how that is happening or what she is eating. I don't know.
बट यू नो आई पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ फैट डाइट्स एंड ऑल, के जो अपना नॉर्मल सिस्टम है उसको सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए हमें. डू वी रियली वॉन्ट टू लूज वेट क्विकली और डू वी वॉन्ट टू सस्टेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल सो दैट द बॉडी कैन स्टे हेल्दी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल अ मच यू नो लॉन्गर एज. या दैट्स द पोल. हाँ या थैंक यू मैम. थैंक यू.